वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम क्लास में मैं आपको काफी कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम इसका स्टार्ट हो चुका है और कई बच्चों का एग्जाम, और कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि उन्हें एग्जाम में कोई जुगाड़ कर सकते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? प्रैक्टिकल एग्जाम जो बिल्कुल नया दे रहे हैं, तो एग्जाम कैसे होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जुगाड़ कैसे किया जाता है, सबसे पहले चीज ये दोस्तों कि आप लोग, इसमें कोई जुगाड़ नहीं होता है। एग्जाम का मतलब एग्जाम होता है आप, हाँ कुछ आप स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम पैसे दे करके, या कुछ स्टूडेंट सोचते हैं हम कैसे भी जुगाड़ कर सकते हैं, वहां पे हमारा हो जाता है। हाँ कुछ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एग्जाम में जाकर जुगाड़ करने बारे में सोचें। मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में जुगाड़ करने के बजाय आप एग्जाम की तैयारी करें। जुगाड़ का मतलब आप वहां पे कुछ नहीं है, क्योंकि इतना इजी पेपर है तो जुगाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं। बहुत ही इजी पेपर आता है, बहुत ही टफ पेपर नहीं होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप बस केवल क्या करिए कि आपने जो तैयारी किया है उसी में से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको तैयार कर लीजिए, कैसे हमें टेस्ट देना है, बाकी कुछ नहीं है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है पूरा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको वीडियो देखे, उसमें मैंने कई पेपर सॉल्व किया है, तो उसे आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल क्लास, इसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे जो है कि कैसे होगा। जो है पूरा पेपर को सॉल्व कैसे करना है और कितना टाइम आपको मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें बताएंगे। एग्जाम कैसे होता है, तो देखिए एग्जाम आपका 100 मार्क्स का टोटल है, और मैं आपको इसको दिखा देता हूं कैसा होता है। देखिए यहां पे जो पेपर हमारे पास आएगा, हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा पेपर, आप देख पा रहे होंगे पेपर, ये टोटल 3 आवर्स का है, यानी कि आपको काफी टाइम मिलता है इसमें। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स का आपका ये वाइवा होगा। 80 मार्क्स में आपको, ठीक है, अगर आप इसमें 50 नंबर लाते हैं तो आप डी ग्रेड पास होते हैं। कुल इसमें 3 क्वेश्चन करना होता है, और काफी आसान होता है, सिंपल सा है, कोई टफ बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, तो जो हम क्वेश्चन बात कर रहे थे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो बस ऐसे ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और कंटिन्यू पूरा सीखते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरी चीज समझ में आ जाएगी कैसे करना हमें है पेपर को। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहला पेपर हमारे पास जो दिया हुआ है, हम पहले आपको यहाँ पे पूरा एक एक करके दिखा देते हैं कि कैसे आपको होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे इसका एग्जाम कैसे होता है, अगर आप देखना चाहते हैं कि एग्जाम होता कैसे, तो देखिए पहला चीज तो ये समझिए कि ओ लेवल में सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता है। जो स्टूडेंट नहीं जानते, देखिए ये आपको साइड पे दिया हुआ है, ओ लेवल है, और इसमें सिर्फ सिंगल प्रैक्टिकल है। इस पूरे प्रैक्टिकल में आपको मिलता है 4 पेपर्स आपके होते हैं, उन्हीं पेपरों का पूरा कवर करके दिया जाता है क्वेश्चंस, और एक प्रैक्टिकल होता है। अगर आप ए लेवल में देखेंगे तो 2 प्रैक्टिकल दिया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना, और इनमें पेपर्स दिया हुआ है कि किस किस पेपर का कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपके ओ लेवल में पूरा प्रैक्टिकल होगा, सिंगल होगा, चारों पेपर से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होगी। दूसरी बात यह है कि आप जो पेपर देने वाले हैं उनका सैंपल पेपर जो है नाइलेट ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, और ये जुलाई 2016 यहाँ पे है, और ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है जुलाई 2016, जिसमें 4 पेपर इन्होंने डाला है पार्ट 1 पार्ट 2 करके यहाँ पे। तो यस 1 मैं अगर ओपन करूंगा यहाँ पे, तो देखिए ये यस 1 हमारा पेपर आ गया, ये पहला पेपर यस 1 है, और इस पेपर को मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए, उस वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया है कैसे इसको हल करना है। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग वहां पे सॉल्व करके देखें, और इसको अगर कोई डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। अब बात करूंगा मैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का, तो जो इसका पार्ट 2 पेपर है ये भी मैंने सॉल्व किया है,
तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये वाला पेपर भी मैंने वहां सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये वाला में भी आप देखिएगा, आपको आसान लगेगा। पार्ट 3, यह है पार्ट 3। पार्ट 3 भी मैंने आपको, ये नहीं हुआ है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो ये वाला हम आपको आज सॉल्व करने सिखाते हैं पार्ट 3 में। देखिए इसमें कुल 3 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है और दूसरा क्वेश्चन क्या है ये आपको बताते हैं कि इसमें देखें। इमेज यहाँ कह रहा है, इमेजिन यू आर इन अ अदर्स डायरेक्टरी, आप किसी अदर डायरेक्टरी में, फ्रॉम द लोकेशन गिव द डॉस कमांड, आपको कह रहा है कि आप डॉस कमांड दीजिए फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले ऑल फाइल ऑफ सिविक्स, आपको क्या करना है, आपको सारी फाइल डिस्प्ले करनी है। ओके तो कैसे करेंगे डिस्प्ले? स्टूडेंट देखिए, अगर आपने डॉस सीखा है तो आपको डॉस कमांड आने चाहिए। इसका यूज हम लोग जो डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है, ऑल फाइल्स, सभी फाइल को डिस्प्ले करिए, सभी डिस्प्ले फाइल करिए जो सिविक्स हैं, ठीक है ना। कह रहा डिस्प्ले ऑल फाइल ऑफ सिविक्स डायरेक्टरी, सिविक्स डायरेक्टरी के सारे फाइल डिस्प्ले करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। तो चलिए मैं आपको यहाँ स्टार्ट करता हूँ। आप CMD टाइप करेंगे और डॉस को ओपन करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को अभी रोक करके और इसका प्रैक्टिकली करते हुए आप जाएं ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा सिविक्स का। फोल्डर बनाने के लिए MD ये मुझे करना है यहाँ पे नहीं है, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे इस तरह का फोल्डर पहले से बना हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे MD करके बना लेता हूँ, MD क्वेश्चन में देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, इसलिए मैं लिख देख रहता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे भी दिखे, आपको भी दिख पाए। यहाँ पे सिविक्स मैंने फोल्डर बना लिया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एडिट सिविक्स, मैंने एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये हमने ये एडिट कमांड इस पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यहां पे सिविक्स अंडरस्कोर, पहले मैं यहां पे फोल्डर ओपन करूंगा CD, एंटर कर दिया। अब मैं इसके अंदर कॉपी कॉन और यहां पे मैंने कर दिया MCLearning CMD, इतना करके और कंट्रोल जेड दबाना है, एंटर करना है, तो एक फाइल इसके अंदर बन जाएगी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल फाइल, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कि हमें जो ये कह रहा है कि डिस्प्ले कराइए, तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखिए हम पहले फोल्डर खोलेंगे, फिलहाल मैं पहले बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। पहले क्या करना होगा, आपको DIR टाइप करना होगा, DIR मतलब डायरेक्टरी को लिस्टिंग करना। इसमें आपको मिलेगा आपका वो फोल्डर जिसका नाम आपको बोला गया है, तो यहाँ पे देखिए CIVIS, ठीक है ना, इस फोल्डर का नाम, आप जो भी नाम यहाँ टाइप किए रहेंगे, जो भी स्पेलिंग रहेगा वही आपको क्या करना, टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे वही नाम टाइप करता हूँ, पहले क्या करता हूँ CLS करके क्लियर कर लेता हूँ, CD CIVIS और एंटर कर दिया, ये ओपन हो जाएगा तो एरर नहीं देगा। अब DIR करिए, इसके अंदर जितनी भी फाइल आपकी होंगी वो सारी ओपन हो जाएंगी। तो यहां पे हमारे पास 0 फाइल और 2 डायरेक्टरी डिस्प्ले कर रहा है। यहां पे हम यहां पे चाहें तो फाइल भी रेडी कर सकते हैं। अब हम यहां पे
आएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो इस तरीके से हमको यहाँ डिस्प्ले करना था। अगला क्वेश्चन है डिलीट द फाइल जो है फिजिक्स, कह रहा डिलीट फाइल फ्रॉम फिजिक्स डायरेक्टरी, फिजिक्स डायरेक्टरी से आपको क्या करना है, डिलीट करना है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैं एक फिजिक्स डायरेक्टरी बनाता हूँ और ये डायरेक्टरी मेरी बन गई, और मैं पहले क्या करूँगा DRR चेक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये फिजिक्स डायरेक्टरी बन गई है, आपको कह रहा है डिलीट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे फाइल नहीं डायरेक्टरी है, तो पहले मैं एक बनाता हूँ, पहले इसको क्लियर करता हूँ और आपको डिस्प्ले कराता हूँ। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर एक हम पहले इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, एडिट कमांड देखते हैं काम कर रहा है या नहीं, अभी नहीं कर रहा ये। कॉपी कॉल और मैंने कर दिया यहाँ पे, एंटर कर देता हूं मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड और DIR किया आपने। अब चेक करते हैं इसके अंदर कोई फाइल है, यस इसके अंदर एक ABC नाम की फाइल दिखा रहा है यहाँ पे, जिसके सामने DIR ना लिखा हुआ वो एक फाइल है, देखो वन फाइल डिस्प्ले कर रहा है। अब मुझे कह रहा है कि आप फिजिक्स डायरेक्टरी से फाइल को डिलीट करिए, डिलीट करना है। तो हम देखो पहला चीज ये कि हमारे पास जो डायरेक्टरी है DIR हमने लगाया यहाँ फिजिक्स, इसके अंदर एक फाइल दिख रही जिसका नाम है ABC, सो हम क्या करेंगे डेल ABC और इसको करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से फाइल ये डिलीट हुई कि नहीं हुई। देखो यहाँ पे ABC जो हमारी फाइल है, अब देखना हमें है DIR करके चेक करना है कि ये गायब हो गई कि नहीं गायब हो गई। तो यहाँ पे देखिए कि अब ABC 0 फाइल दिखा रहा है फिजिक्स में, अभी देखो यहाँ पे 1 फाइल दिखा रहा था फिजिक्स डायरेक्टरी में, अब क्या हो रहा है 0 फाइल दिखा रहा। तो ये हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से हम फिजिक्स का डिलीट कर दिया हमने। डिस्प्ले ऑल फाइल विच हैव एक्सटेंशन .txt अंडर मैथ, कह रहा है कि आपको वो txt डिस्प्ले करना है और मैथ डायरेक्टरी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो है कुछ txt फाइल जनरेट करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ txt फाइल जनरेट कर लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे txt फाइल जनरेट करता हूँ। मेरे पास जो DOS है, इस DOS में C user RITI के अंतर्गत हमें करना है टोटल टास्क, यूजर RITI और यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है मैथ का, और इस फोल्डर के अंदर हमें डिस्प्ले करना है एक फाइल डालनी है टेक्स्ट की। ये आप घर पे पेंट करेंगे, ये सब वहां बना मिलेगा आपको, ये सब करना नहीं है। फाइल वन, इसका मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया दो फाइल बनाने के लिए। फाइल नंबर टू, ये हो जाएगा हमारी फाइल थ्री, ये हमारी फाइल थ्री बन गई 1 2 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ रेडी कर लिया है। अब हम DOS, तो देखिए कैसे करना है, हमको यहाँ पे कॉपी हमें डिस्प्ले कैसे करना है टेक्स्ट फाइल को। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे सारे txt फाइल, कह रहा है कि डिस्प्ले ऑल फाइल विच हैज एक्सटेंशन यहाँ पे अंडर मैथ डायरेक्टरी, जो मैथ डायरेक्टरी की फाइल है। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे करूँगा, करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे DIR कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इतने फाइल्स दी हुई है, हमें केवल डायरेक्टरी नहीं डिस्प्ले करनी, तो हम वो क्या करेंगे DIR और यहाँ पे पॉइंटर लगाएंगे .txt कर देंगे। तो ये
इसी फाइल को डिस्प्ले करेगा केवल, बाकी फाइल को डिस्प्ले यहाँ पे नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ फाइल को डिस्प्ले कर रहा है इसी एक्सटेंशन की, दूसरी एक्सटेंशन की फाइल दिखाई नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन है कि हम कॉपी कैसे करेंगे डायरेक्टरी को, जैसे ऑप्टिक, ठीक है ना, ऑप्टिकस, ठीक है, ऑप्टिकस हमारा माई फिजिक्स, ठीक है ना, एम फिजिक्स वाले को क्या करना है, कॉपी करना है। तो देखिए डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्स कॉपी की। अब मैं यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारे पास फोल्डर बना नहीं है तो इसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। एक्स कॉपी, कॉपी के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे फोल्डर का नाम। तो मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ सी कॉलन ऑब्लिक यूजर्स RITI ऑब्लिक स्पेस, ये हमारे हो गया जिससे कॉपी होना है। फिर हमें कहाँ कॉपी करना है, यूजर्स ऑब्लिक RITI और हमें यम फिजिक्स फोल्डर में ले आना है। हमें इस फोल्डर का नाम पूरा है फिजिक्स। अब एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये कॉपी कर देगा। अभी हम इतना करेंगे लेकिन हमारे कंप्यूटर में आपको कॉपी करेगा नहीं, कह रहा है कि यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड, जीरो फाइल कॉपी, मतलब अगर होता तो ये कॉपी हो जाती, तो ऐसे ही करना हमें है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये हमें कैसे ट्राई किया, कैसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन अगर आप मुश्किल से देखें तो बहुत टाइम का नहीं है, बहुत ही कम टाइम का है और आसानी से आप कर सकते हैं चारों क्वेश्चन। तो ये हम यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत ज्यादा आपको नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है यूजिंग HTML, इस वाले क्वेश्चन को हम अभी आपको बताएंगे अगले वीडियो में जो है, और आप इस वाले क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो हमको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा ताकि सभी दोस्तों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही।